यहाँ का कहीं का भी स्टूडेंट होना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है जितना टीचर होना। तो मैं भी आपका स्वागत कर देता हूँ हमारे मतलब और फिर मैं जैसा कि मैम ने बताया और उसके पहले ऋषि जी ने बात की, पहेली कब बनती है? पहेली तब बनती है जब कोई चीज हमें समझ में नहीं आती। भूल भुलैया हम कब कहते हैं? अगर आप लोगों में से कुछ लोग लखनऊ गए होंगे और वहां का भूल भुलैया देखा होगा या नहीं भी देखा होगा पढ़ा होगा, तो भूल भुलैया हम कब कहते हैं? जब रास्ता मिलता नहीं है। जिन सीढ़ियों के बारे में पता हो कि उससे चलते हुए हम सीधे ऊपर तक पहुंच जाएंगे, अपने जिस रूम में जाना जिस गंतव्य पर जाना है वहां पहुंच जाएंगे, उन्हें कभी भूल भुलैया नहीं कहा जाएगा। भूल भुलैया उसे कहा जाएगा इस पर चलते हुए भटकने का डर, इसके रास्ते को लेकर एक भय हो और या फिर एक संकोच। कश्मीर अगर एक पहेली है तो वो शायद दो वजहों से है। पहला तो उसे बनाया गया और दूसरा हमने उसे सुलझाने की कोशिश की। अगर हम सुलझाने की कोशिश करते एक छात्र के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक नागरिक के रूप में, सबसे पहले मैं कहूंगा क्योंकि हम सब जो कुछ है उसके साथ साथ एक नागरिक भी है, तो शायद पहेलियां इस तरह से नहीं होती। मजेदार बात यह है कि कश्मीर कम से कम एशिया की तो वो इकलौती जगह है, इकलौता इलाका है जहां का इतिहास प्राचीन काल से लेकर और अभी तक बिल्कुल आपको एक कंटिन्यूएशन में मिलता है। आपको नीलमत पुराण मिलता है, उसके बाद राजतरंगिणी मिलती है, राजतरंगिणी के बाद तीन और राजतरंगिणी लिखी जाती है, फिर फारसी में आपको ढेर सारा कुछ मिलता है, उसके बाद उर्दू में मिलता है और अंग्रेजी में भी मिलता है। तो एक तरफ कश्मीर इतना खुला हुआ है कि उसका पूरा इतिहास आपके पास उपलब्ध है एनालिसिस करने के लिए, आंख मूंद के मानने के लिए नहीं, क्योंकि इतिहास भी कोई अंतिम सत्य नहीं होता है। इतिहास की जो पुस्तक होती है, चाहे वो मेरी ही किताब क्यों ना हो, वो अंतिम सत्य नहीं होता, वो एक व्यक्ति द्वारा लिखा होता है तो उसका सब्जेक्टिव होने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन कम से कम वो घटनाएं, वो फैक्ट्स हमारे पास हैं। तो एक तरफ तो इतनी कॉन्टिनेंटी में हमारे पास फैक्ट्स हैं और दूसरी तरफ आमतौर पर कश्मीर के बाहर और कई बार तो भीतर भी कश्मीर के इतिहास को लेकर, कश्मीर के वर्तमान को लेकर और कश्मीर में घटी जो घटनाएं जिनको हम बार बार दोहराते रहते हैं, धारा 370, 35A, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का जाना, इन सबके बारे में सूचनाएं तो है हमारे पास, फैक्ट्स नहीं। और जब सूचनाएं होती हैं, फैक्ट्स नहीं होते हैं, तो अफवाह फैलाने के लिए बहुत सारी जगह होती है। और जब अफवाहें फैलती हैं तो हम जहां जिस जगह पर होते हैं, जो भी हमारी सोशियो पॉलिटिकल लोकेशन होती है, उसके हिसाब से हम उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण ही नहीं करते, उसमें कुछ जोड़ घटा देते हैं। और ये चीज कश्मीर के साथ जितना हुई है, शायद हिंदुस्तान में तो मुझे नहीं लगता कोई और इलाका है जिसके साथ इतनी ज्यादा हुई। कितना वक्त कितना है मेरे पास घूमने के लिए? 40 मिनट उससे कश्मीर की जो आज की भी समस्या जिसको कह लीजिए या कश्मीर के जो हालात कह लीजिए, वो काफी हद तक उनका उनका एक पर्सपेक्टिव हमको वहां से मिल जाता है। पहली कहानी जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो नीलमत पुराण में भी है और राजतरंगिणी में भी है, वो आती है कश्यप ऋषि की। कहते हैं कि वहां पर एक सतीसर झील थी, सतीसर झील में नाग रहा करते थे बड़ी शांति के साथ। वहां एक जलोद्भव नाम का राक्षस आ गया। उसकी भी कथा यह है कि इंद्र अपनी इंद्ररति के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय किसी राक्षस ने देख लिया क्या हुआ कैसे हुआ, तो जलोद्भव वहां पर पैदा हो गया। और वो जलोद्भव जो था राक्षस, वो नागों को परेशान करता था। और यही नहीं था, उसने मिथक जैसे होते हैं, मिथकों में जैसे कहानियां जुड़ती हैं, तो उसने ब्रह्मा से एक वरदान भी हासिल कर लिया था कि जल के अंदर उसको मारा नहीं जा सकता। तो जब कश्यप ऋषि वहां पे गए तो नागों ने उनसे प्रार्थना की कि इससे मुक्ति दिलाइए। तो कश्यप ऋषि ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया। तो विष्णु ने फिर उसके बाद हल्धर को बुलाया, हल्धर ने पहाड़ में छेद कर दिया जिससे सारा का सारा पानी निकल गया और वो जो हरी भरी धरती निकल कर आई उसको ही कश्यप मार, कश्यप ऋषि के नाम पे, मार मतलब जल, कश्यप मार, या फिर बाद में उसी क्रम में कश्मीर कहा गया। एक कहानी तो यह, दूसरी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। एच.एच. विल्सन की एक किताब है हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसमें यह कहानी मिली। उसमें वो कहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही था, बस कश्यप की जगह काशेप हो जाते हैं, कि कोई साहब काशेप होते हैं जो वहां आए थे और जिन्होंने बारामूला पहाड़ी, वहां पे पहाड़ी का नाम आ जाता है, निर्मल पुराण में पहाड़ी के नाम का जिक्र नहीं, उस पहाड़ में छेद कर देते हैं और छेद से पानी निकल जाता है, हरा भरा निकल जाता है। तीसरी कहानी मुझे कश्मीर नामा लिखने के बाद मिली। बेन साहब जब इंडिया आया था तो उसका जो पूरा मेमायर था उसके ऊपर 1926 में एक रिसर्च हुआ
और मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि कश्मीरियों को ही नहीं, कश्मीर पर रिसर्च करने वाले सारे लोगों को कोलकाता का बहुत आभारी होना चाहिए। यहाँ जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी उसने इतना सारा काम किया कश्मीर के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि किसी एक इंस्टीट्यूट ने उतना ज्यादा काम किया होगा। वो रिसर्च उन्होंने ही करवाया था और उसमें किस्सा ये मिलता है कि बुद्ध वायु मार्ग से उड़ते हुए कश्मीर के ऊपर जा रहे थे, उनके साथ उनका उनके शिष्य आनंद थे और आनंद से उन्होंने कहा कि 50 साल बाद एक अरहत, आप समझ लो कि बुद्धिज्म में टॉप ग्रेड का जो अर्हता हासिल कर देता है उसको अर्हत कहते हैं, बड़ा गुरु हो जाता है उसको अर्हत कहते हैं। तो वो कहते हैं कि 50 साल बाद एक अर्हत आएगा और वो यहाँ पर इस पानी को सुखाकर और बौद्ध धर्म की स्थापना करेगा, मनुष्यों के रहने लायक से बनाएगा। तो 50 साल बाद एक अर्हत वहां पे आते हैं मध्यांतिक नाम के, और वो नागों के साथ उनकी बातचीत होती है, नाग प्रभावित होते हैं, नाग कहते हैं कि जो चाहिए मांग लीजिए, वो घुटने भर का घुटने भर की जगह मांगते हैं कि भाई घुटने भर की जगह का पानी सुखा दो। तो घुटने भर की जगह का अर्थ होता है कि समाधि लगाएं, और जब वो समाधि लगाने बैठते हैं तो अपना आकार इतना बड़ा कर लेते हैं कि पूरी झील का पानी सुखा दिया जाता है और उसके बाद वो वहां बस जाते हैं, नागों को थोड़ा ऊपर बस जाते हैं। अब आप देखो तीनों कहानियों में कोई मौलिक बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तीनों कहानियों से एक चीज निकल के आ रही है कि वो जो पानी था सतीसा झील का उसको सुखा दिया गया और उस सुखाने से वो हरी भरी घाटी निकल के आई। और मजेदार बात यह है कि जब वहां पे उत्खनन हुआ तो उत्खनन में भी ये निकल के आया कि किसी झील के सूखने से ये पानी निकला है। और जियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि नियोलिथिक पीरियड में, जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे और इन टर्म्स से परिचित होंगे, नियोलिथिक पीरियड में जब पहाड़ एडजस्ट हो रहे थे उस समय पहाड़ के एडजस्टमेंट में ऐसा हुआ होगा कि बारामूला में कोई छेद हुआ होगा जिससे सारा का सारा पानी जो है वो निकल गया होगा और ये निकल के आई होगी ये जगह। लेकिन तीनों कहानियां देखिए कैसे तीन धर्मों से जुड़ जाती है, एक घर में हिंदू देवी देवता आ जाते हैं, एक घर में इस्लामिक व्यक्ति आ जाता है और तीसरे में कौन आ जाता है, तीसरे में बौद्ध धर्म आ जाता है। दरअसल कश्मीर का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास इन तीनों धर्मों के बीच संक्रमण मिलने जुलने अलग होने कन्वर्जेंस इनका ही सारा का सारा है। और इसीलिए ये बात मैं बार बार कहता हूं कि नियम तो ये है कि आपका जो इतिहास होता है वो वर्तमान को बनाता है। हम किन परिवारों में पैदा हुए, हमें कैसे पढ़ाया लिखाया गया, हम किस इलाके में पैदा हुए, उससे ही तो ये तय होता है कि आज हम कहां खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन इतिहास के संदर्भ में उल्टा ये होता है कि अपने वर्तमान की जो विडंबनाएं होती हैं उन विडंबनाओं को सुलझाने के लिए हम इतिहास के नरेशन में, इतिहास के पाठ में हेर फेर करने, इतिहास के पाठ में छेड़छाड़ करने में बहुत भरोसा रखते हैं। आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, पेपर्स पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे और बार बार इन चर्चाओं से रूबरू होते होंगे कि कैसे इतिहास को बदलने की कभी कोई कोशिश करता है, कभी कोई कोशिश करता है। तो ये तीनों नरेशंस भी क्या है, इन तीनों नरेशंस को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों नरेशंस अगर इनके पीरियड्स को आप देख लेंगे, जैसे मैं बताऊं कि जो बुद्ध वाला नरेशन है, वेनसान का नरेशन है, वेनसान के आने का जो टाइम है वही टाइम है नीलमत पुराण के लिखे जाने का, उसी के आसपास का 5th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक। आप जब कश्मीर के इतिहास में जाएंगे तो वो पीरियड का जिस समय बुद्धिज्म कमजोर पड़ रहा था, बुद्धिज्म की पकड़ वहां पर कमजोर हो रही थी और शैविज्म जो हिंदू शैविज्म था वो वहां पर आगे बढ़ रहा था। तो जाहिर तौर पर अपने अपने देवताओं को स्थापित करने के लिए ये सारे मिथक गढ़े गए थे। मिथक हमें कई बार सिर्फ किस्से लगते हैं, मैथिली हमें लगता है तो किस्से कहानी है, लेकिन मैथिली भी आसमान में नहीं बनती है, वो जमीन से उगती है, जो हमारे जमीनी हालात होते हैं उन्हीं जमीनी हालात से उगती है। और इसीलिए मैथिली को मिथक को पढ़ते हुए ना तो आप उनके भरोसा करना चाहिए और ना तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसके हिस्टोरिकल पीरियड को देखते हुए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को देखते हुए अपने काम की चीज निकालनी चाहिए। यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं कश्मीर में जो बौद्ध पीरियड है, बौद्ध पीरियड सम्राट अशोक से जोड़ा जाता है, ये कहा जाता है, माना जाता है, रास्तांगिणी में भी लिखा है और अब आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि सम्राट अशोक के समय वहां पर बौद्ध धर्म गया था, हालांकि वो लंबा नहीं चल पाया। सम्राट अशोक के तुरंत मरने के बाद जो जालौन के उनका पुत्र आता है वो शैव था, तो बुद्धिज्म उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पाया। उसके बाद कनिष्क के समय में बुद्धिज्म फ्लरिश करता है, वहां पर महासंगीति होती है, महासंगीति मतलब बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी काउंसिल, वो वहां पर 8वीं महासंगीति वहां पर होती है। और बड़ी बात जो मैं यहां बताना चाहता हूं कि पहली बार बौद्ध धर्म के ग्रंथ संस्कृत में वही लिखे गए, सबसे पहले संस्कृत में वहां कश्मीर में ही बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए। उसके पहले आप देखेंगे पाली और अपभ्रंश इन भाषाओं में, ये लोकल बोलियां जो थी इन भाषाओं में लिखा जाता था। इससे एक बात और समझ में आती है कि संस्कृत वहां पर भाषा बन चुकी थी, जबकि उसी पीरियड में, जो पीरियड कहा जाता है उस पीरियड में अगर आप देखेंगे 3rd-4th सेंचुरी में, तो बाकी देश में लोक भाषाएं बोली जा रही थी। कश्मीर में लोक भाषाओं और बाकी देश में लोक भाषाओं के कई सारा साहित्य आपको मिला भी है बाद में,
लेकिन कश्मीर में लोक भाषा का कोई साहित्य 12वीं-13वीं शताब्दी तक नहीं मिलता है। और इसके सूत्र हमें मिलते हैं रास तरंगिणी में जाके। हम देखते हैं कि 7वीं-6वीं-7वीं शताब्दी होते होते बुद्धिज्म वहां पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और उसकी जगह पर शैव धर्म वहां पर स्थापित हो जाता है। शैविज्म के बारे में भी आप लोगों में अगर कोई फिलोसफी के स्टूडेंट्स होंगे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कश्मीर में जो शैविज्म आता है वो शैविज्म नहीं होता है जो बाकी पूरे इंडिया में होता है। कश्मीरी शैव एक अलग से होता है, इसको द्रेक फिलोसफी कहते हैं। उसके बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कश्मीर में जब शैविज्म जाता है तो कश्मीर की लोकल सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। मैंने अपनी किताब में डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है। और संस्कृत एक भाषा के रूप में वहां स्थापित होती है। बड़ा राजा वहां जिसका सबका नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, ललितादित्य। ललितादित्य एक ऐसा राजा था कश्मीर का जो कश्मीर से बाहर निकल के आता है, बाहर निकल के मालवा से और तमाम सारी जगहों से ढेर सारे संस्कृत के विद्वानों को वहां लेके ले जाता है, स्थापित करता है। और वो लोग अभिनव गुप्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके जो पूर्वज थे वो ललितादित्य द्वारा लाए गए थे और वहां पर बसाए गए थे। तो संस्कृत एक भाषा के रूप में वहां पर स्थापित होती है। अब एक चीज आप लोगों को पता है, संस्कृत अपने आप में एक ब्राह्मणिकल भाषा है, ब्राह्मणी भाषा है। और संस्कृत का जो प्रयोग था वो हर समय उच्च वर्ग ही, जाति आधार पर मैं कह रहा हूँ, उच्च वर्ग ही करता रहा। जो मैं राज तरंगिणी में सबूत ढूंढने की बात कर रहा था, राज तरंगिणी में कश्मीरी के सिर्फ दो प्रयोग आते हैं। एक प्रयोग एक ऐसे राजा के संदर्भ में आता है जो कश्मीरी संस्कृत बोलने से इसने मना कर दिया था। और राज तरंगिणी के लेखक जो पंडित कल्हण है वो उसके बारे में बहुत ही बहुत ज्यादा बुरे तरीके से बात करते हैं कि इस राजा ने संस्कृत, ये राजा तो संस्कृत में नहीं बात करता था, ये तो आम भाषा में बात करता था। दूसरा आता है कि एक राजा ने एक दलित जाति की स्त्री से शादी कर ली थी, तो उसका जो स्त्री का पिता था उसको कुछ जमीन बिक्री की थी, और उस जमीन को जब वो क्लेम करने जाता है तो वो लोक भाषा में बात करता है। वहां भी उसकी लोक भाषा में बात करने को मजाक उड़ाने की तरह लिया गया। ये हम लोग समझ सकते हैं अपने समय में कि जहां सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे होते हैं वहां कोई अगर हिंदी या लोक भाषा जो कि आपकी बांग्ला हो, भोजपुरी हो, ये अगर बोलता है तो कैसे उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसको अगर थोड़ा सा और एनालाइज करते जाइए आप तो आपके समझ में आएगा कि निश्चित रूप से वहां भी एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हुई थी जो ब्राह्मणिकल थी, जहां जो अपर कास्ट था वो लोअर कास्ट के बिहेवियर को, दलितों, आदिवासियों और इनके जो बिहेवियर थे इनके बिहेवियर को हेय नजर से देखता था। थोड़ा और इसको एनालाइज कीजिए, इसका मतलब कि जाति भेद वहां पर बहुत ज्यादा स्थापित था। और इसी के साथ कल हम कुछ और एग्जांपल देते हैं, क्योंकि अब मैं वहां पहुंच रहा हूं जहां से इतिहास में दिक्कतें पैदा होनी शुरू होती है। कल्हण अपने यहां कई सारे राजाओं की बात करते हैं और उसको पढ़ते हुए समझ में आता है कि कैसे समय बीतने के साथ साथ जो हिंदू राजे थे वो पतित होने शुरू हो गए थे। जैसे वो एक राजा की बात करते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि वो रात भर अय्याशी करता था और दिन भर सोता था। एक राजा के बारे में वो बात करते हैं जिसमें पिता और पुत्र हैं और दोनों के बीच में 5 बार शासन बदला गया है, कभी 3 महीने ये रहते हैं फिर वो जीत जाता है, कभी फिर 6 महीने वो रहते हैं फिर वो जीत जाता है। और अंत में वो हर्ष के बारे में बात करते हैं। कश्मीर के इतिहास में राजा हर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और हर्ष पर कल्हण की बात की विश्वसनीयता इससे भी समझ में आती है कि कल्हण के जो पिता थे पंडित चंपक वो हर्ष के दरबारी थे। हर्ष के बारे में वो बताते हैं कि एक तरफ तो वो बहुत संगीत उसको प्रिय था, संस्कृत का भारी विद्वान था, वो कविताएं लिखता था, ये करता था, वो करता था। दूसरी तरफ बताते हैं कि वो इतना पतित था कि उसके परिवार की महिलाएं भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं करती। तीसरा वो बताते हैं कि वो इतना लालची था कि रोज एक मंदिर या बौद्ध विहार तुड़वाता था और किसी धर्म के विरोध में नहीं तुड़वाता था, वो इसलिए तुड़वाता था कि उनके जो सोने चांदी के पत्थर लगे हुए हैं वो निकाल सके अपने खर्च के लिए। ऐसे ही उसके बारे में बताते बताते वो बताते हैं कि उसने इतने कर लगाए थे, इतने टैक्स लगाए थे जितने कभी जीवन में सुने नहीं गए थे। मतलब एक टैक्स वो बताने में भी शर्म आती, मतलब उसने शौच पर टैक्स लगाया था। लोग खेतों में जाया करते थे तो उसने कहा खेत तो सारे सरकारी है, अगर इनका उपयोग किसी भी काम के लिए किया जाए तो टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ये अंदाज लगा सकते हो कि हर्ष के राज्य में जनता का क्या हाल हुआ, और जब वो हाल होगा तो विद्रोह भी होगा। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए वो ईरान से, वो भी कर्ण बड़े मजाक में कहते हैं कि ईरान से वो घोड़ों के साथ तुर्क सैनिक लेके आया और पालकियों में ईरानी महिलाएं लेकर। तो ये कश्मीर में इस्लाम के आधिकारिक प्रवेश का पहला सबूत मिलता है, यानी वहां की सेना में धीरे धीरे मुसलमान आने शुरू होते हैं। और ये पतन वहां तक पहुंचता है। कश्मीर के साथ ये है कि उसकी हिस्ट्री जितनी इंपॉर्टेंट है, कहीं की भी हिस्ट्री बनाने में वहां की ज्योग्राफी का बड़ा महत्व होता है, वहां की भौगोलिक स्थिति का बहुत महत्व होता है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे सीरियसली?
तो वहां की जो हिस्ट्री है आप जानते हैं, कश्मीर चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ था। आज तो बड़ा आसान है, हम ट्रेन से जाते हैं, क्रॉस करते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए 11वीं सदी की, 12वीं सदी की, वहां पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा। तो इसका एक नुकसान यह था कि वो सारी दुनिया से सेपरेटेड थे, और एक फायदा यह था कि बाहर से आक्रमण वहां पर मुश्किल था। किसी भी राजा के लिए, किसी भी सुल्तान के लिए उतनी बड़ी सेना लेके जाना बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए जो पतित और गिरे हुए राजा थे, इनके राज्य में भी, इनके राज्य पर किसी ने कब्जा नहीं किया, इनका राज्य कम से कम पूरा हो रहा था। लेकिन ये कब तक चलता? धीरे धीरे दुनिया में आप देखते हैं कि आना जाना, आवाजाही, व्यापार, रास्ते तलाशना, ये सारा कुछ शुरू हो चुका था। और आप देखते हैं कि 12वीं सदी में जुलचू नाम का एक मंगोल पहली बार कश्मीर पर आक्रमण करता है। वो कश्मीर के इतिहास में पहला आक्रमण। उस समय वहां पर सहदेव नाम का राजा है जो राज्य करता है। जुलचू जब आक्रमण करता है तो सहदेव श्रीनगर छोड़कर ऊपर भाग जाता है, वो जाकर छुप जाता है, और पूरी प्रजा आरक्षित है, सेना कहीं नहीं है। 8 महीने का जो वो वर्णन जोनाराज ने किया है, कभी कोई पढ़े अगर उसको, 8 महीने वहां पर खुली लूट चलती रही, बलात्कार होते रहे, और जुलचू के सैनिकों ने जितने तरह का अत्याचार संभव था कश्मीर पर किया। उस समय सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत सहायता की जनता की, थोड़ा बहुत उनको बचाने की कोशिश की। पहला तो वहां जो स्थानीय सामंत था रामचंद्र, उसकी बेटी कोटा रानी, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम कश्मीर के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा शाहमीर, शाहमीर अफगानिस्तान के एक कबीले का सरदार, के सरदार का बेटा था जो कश्मीर भागकर आ गया था, और रामचंद्र ने उसको एक छोटी सी जागीर दी थी। और तीसरा रिंचन, रिंचन एक बौद्ध था जो लद्दाख से आया था, लद्दाख में उसके पिता मारे गए थे आया था, और उसको भी रामचंद्र ने थोड़ा सा थोड़ी सी जागीर दे दी थी। इन तीनों ने बचाने की कोशिश की। जब जुलचू चला गया तो सहदेव ऊपर से लौट के आया फिर से राजा बनने के लिए, जनता ने उसको राजा मानने से इनकार कर दिया। फिर रामचंद्र ने कोशिश की कि मैं राजा बन जाऊं। उस समय रिंचन और शाहमीर ने मिलकर रामचंद्र की हत्या कर दी, और रिंचन ने पहली बार वहां पर सत्ता अपनाई और कोटा रानी के साथ शादी की, मतलब कोटा रानी उनकी पत्नी बनी और रिंचन राजा बनी। यहां पर एक बड़ी मजेदार घटना होती है जिसके दो पहलू हैं, दो एनालिसिस हैं, दोनों में बताने की कोशिश करूंगा। रिंचन ने यह कहा कि प्रजा का जो धर्म होता है वही राजा का भी धर्म होना चाहिए, लेकिन प्रजा तो हिंदू है और मैं बहुत हूं। तो कहते हैं जोनाराज, जो ऑथेंटिक इतिहासकार हैं वहां के कर्ण की परंपरा के, वो ये बताते हैं कि उसने कश्मीरी जो ब्राह्मण थे, मैं कश्मीरी पंडित नहीं कह रहा हूँ, कश्मीरी ब्राह्मण कह रहा हूँ, बताऊंगा कि मैं कश्मीरी पंडित नहीं कह रहा हूँ। तो जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उनकी सभा बुलाई और कहा कि मुझे आप लोग हिंदू बना दीजिए। तो कश्मीरी ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, हमें समय दीजिए, हम मीटिंग करते हैं, उसके बाद तय करेंगे। 20 दिन तक उनकी मीटिंग कहते हैं चलती रही, और उसमें यह तय नहीं हो पाया कि अगर उसको हिंदू बनाया जाएगा तो जाति कौन सी हो जाएगी। और वो कहते हैं कि आप जो है वही रही है। उसके बाद का किस्सा यह है कि शाहमीर उनको गुलगुल शाह के पास लेके जाता है। गुलगुल शाह एक सूफी थे और वो इस्लाम अपना लेता है, और सदरुद्दीन के नाम से, सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से कश्मीर की गद्दी पर बैठता है, और इस तरह से कश्मीर का पहला इस्लामिक शासक होता है। लेकिन इस नरेशन को बहुत सारे इतिहासकारों ने चैलेंज किया है। उनका मानना है कि ऐसी घटना शायद ना हुई हो, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। उनका ये मानना है कि हो सकता है कि अगल बगल के जो राज्य थे सारे इस्लामिक हो रहे थे, और उसको लगा हो कि इस्लाम अपनाना हमारे राज्य को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा बेहतर। एनीवे वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट साबित नहीं हुआ, सिवाय इतिहास के एक ऐसे इवेंट के जिसको पहला कहा जा सकता है, फर्स्ट कहा जा सकता है। 1.5 साल बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद का फिर किस्सा है कि पुराने राजा का जो भाई था उसको राजा बनाया गया, कोटा रानी ने उससे भी शादी कर ली, और उसके बाद फिर एक आक्रमण हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन फाइनली शाहमीर ने वहां की सत्ता पर कब्जा किया कोटा रानी को मार के, और शाहमीर डायनेस्टी जो है वो स्थापित होती है, और वो कश्मीर के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाली 350 साल चलती है शाहमीर की डायनेस्टी। शाहमीरी उसको कहते हैं आमतौर पर इतिहासकार, उसको शाहमीरी कहते हैं। शाहमीरी का वो पीरियड था जिसमें कश्मीर हिंदू बहुल इलाके से मुस्लिम बहुल इलाके में कन्वर्ट होता है। जोना राजा का एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए देता हूं कि अगर वो सही हो तो भी, और नहीं हो तो भी, जोना राजा चूंकि खुद कश्मीरी ब्राह्मण थे, ये तो समझ में आता है कि कश्मीर में जाति व्यवस्था कितनी रूढ़ हो चुकी थी। और जब जाति व्यवस्था रूढ़ होती है तो हमेशा हम देखते हैं कि जो दलित और आदिवासी जातियां हैं वो किस तरह से विद्रोह करती। और इसका दूसरा रूप, आप लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों के लिए शायद ज्यादा परिचित नाम होगा जो मैंने लिया था, ललदियत। अमेरिका से सीबीएसई की 12वीं में भी ललदियत है और आगे भी पढ़ाया जाता है उनको। ललदियत कश्मीर के इतिहास में उभरती है जो कि शैव योगिनी है। आमतौर पर उनको शैव योगिनी और उनके मंत्री के पद ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर ललदियत को आप
डिटेल में जाके देखें तो वहां सिर्फ शिव भक्ति और इसके भक्ति के पद नहीं है, उनके यहाँ विद्रोह के पद है, विद्रोह दो स्तर के, एक स्त्री होने के स्तर पर जिसकी मैं बात करूंगा, और दूसरा सामाजिक व्यवस्था से विद्रोह, जिसमें वो मूर्ति पूजा की मुखालिफत करती हैं, जिसमें जाति भेद की मुखालिफत करती हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान के भेद की मुखालिफत करती हैं। लगभग का किस्सा क्या था, बड़ा आसान सा सिंपल सा किस्सा था, जो लोग खासतौर पर ग्रामीण समाज से हैं वो शायद आसानी से समझ जाए। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, जिस व्यक्ति से शादी हुई थी उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, जो परिवार जैसा कि हमारा भारतीय परिवार होता है, सास ससुर और ये सारा कुछ था, जिसमें उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। उस परेशानी से भागने की कोई जगह नहीं थी, वो जहाँ पानी भरने जाती थी वहाँ एक छोटा सा पहाड़ था, पहाड़ के नीचे बैठ के वो साधना किया करती थी। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने घर परिवार त्यागने का निर्णय लिया और वो बाहर निकल गई, और वहीं उनका नाम ललदियत पड़ा। उसके बाद उनका नाम ललदियत पड़ गया, उनके चमत्कार और बाकी सब। आप आश्चर्य करेंगे जहां मैं लाना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि ऐसी अगर कोई शैव योगिनी है तो उसका सम्मान किसको करना चाहिए, हिंदुओं को करना चाहिए। शैव योगिनी का सम्मान मुसलमान क्यों करेंगे, बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन कश्मीर में उनको राबिया सानी कहा जाता है। राबिया सानी का मतलब होता है उसके जैसा। राबिया सानी मतलब राबिया जैसा। राबिया कौन थी, राबिया आठवीं सदी की ईरान की सबसे प्रतिष्ठित सूफी संत थी। यानी उनको वो सम्मान दिया जाता है जो कश्मीर में सबसे प्रतिष्ठित सूफियों को दिया जाता है। थोड़ा सा अगर आप इसके एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस ब्रह्मनिकल ऑर्डर के खिलाफ, जिस पैट्रियार्कल ऑर्डर के खिलाफ वो लगातार विद्रोह कर रही थी, जो लोग उसके पीड़ित थे वो उनका सम्मान करते थे। और आपके समझ में ये भी आएगा कि कश्मीर में जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्वर्जन्स है, उस कन्वर्जन में दलित पिछड़े और इस तरह की जातियों के जो लोग थे उन्होंने खुद को कन्वर्ट किया। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तलवार के जोर पर कन्वर्जन नहीं हुआ। ये कहना भी उतना ही बड़ा झूठ होगा जितना ये कहना कि केवल तलवार के जोर पर। एक बहुत सीधा सवाल मैं हर बहस में पूछता हूं कि अगर तलवार के जोर पर कन्वर्जन हो रहा था तो कश्मीर में या दिल्ली में या मेरे गोरखपुर में या कहीं भी जहां मुगल शासन, जहां इस्लामिक शासन इतने लंबे समय तक रहा, कोई हिंदू कैसे बच गया अगर केवल तलवार के जोर पर हो रहा था। दूसरा, अगर केवल तलवार के जोर पर हो रहा था तो सिख पीरियड में वहां पर इतने सारे कन्वर्जन कैसे दिखाई देते, डोगरा पीरियड में कन्वर्जन कैसे दिखाई देते। तलवार के जोर पर बिल्कुल हो रहा था सुल्तान सिकंदर का नाम सुना होगा, इसको सिकंदर बुद्धशिखर कहा गया, कहते हैं उसने बहुत सारे मंदिर तोड़वा दिए, कहते हैं कि उसने उसका एक जो मंत्री था सुहा भट्ट नाम का, वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद उसने बहुत सारा जुल्म उठाया। लेकिन आप अगर कश्मीर को देखेंगे और थोड़ा सा इतिहास को गौर से पढ़ेंगे तो दो लेवल पे कन्वर्जन हो रहे थे। एक लेवल पे जो राजा के लेवल पे हो रहा था, जिसमें मीर हमदानी बाहर से आते हैं जिनके लिए बड़ी सी खानकाह बनाई जाती है वगैरह वगैरह। दूसरे लेवल पर वहां एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है, उसको ऋषि मूवमेंट कहते हैं। अब ऋषि शब्द सुनकर आपको क्या महसूस होता है, और ये संस्कृत से निकला ऋषि है, कहीं और से नहीं, कश्मीर में रेश कहते हैं कश्मीरी को, ये संस्कृत से निकला हुआ ऋषि है। कश्मीर में सूफियों की एक परंपरा जिसके लीडर माने जाते हैं, जिनको वहां पे शेखुल इस्लाम भी कहते हैं, जिसको शेखुलुद्दीन भी कहते हैं, जिनको नूंद ऋषि भी कहते हैं, वो एक खास तरह का सूफिज्म लेके आते हैं। वो वही लोकल कश्मीर में पैदा हुए थे, कश्मीरी में बात करते थे, उनका सारा जो वाक है, जो गीत है उनके, वो सारे संस्कृत में कश्मीरी में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि उन्होंने वही जीवन शैली अपनाई, उसी तरीके से काम किया जैसे हिंदू योगी किया करते थे। वो झोपड़ियों में रहा करते थे, अपने पास न्यूनतम पैसे, न्यूनतम कपड़े रखा करते थे, साधना किया करते थे, उन्होंने अपने लिए कोई धन नहीं बनाया, गाय पालते थे और धर्म का प्रचार करते थे। जैसे बुद्धिज्म के बारे में मैंने बताया कि बुद्धिज्म जब कश्मीर में गया तो कश्मीरी माहौल के हिसाब से बदल गया, वैसे ही सूफी इस्लाम जब कश्मीर में आया तो कश्मीरी माहौल के हिसाब से बदल गया। मैं वहां पर रही है, इस बात की गवाही देंगी कि चाहे वो शेखुल इस्लाम की खानकाह हो और चाहे वो तमाम ऋषियों की खानकाह हो, हालांकि ऋषि परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी कश्मीर में क्या इज्जत है, वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं, दोनों ज़ियारत करते हैं। तो ये जो ऋषि परंपरा फैली, इस ऋषि परंपरा ने कश्मीर के गांवों में, कश्मीर के छोटे शहरों में, कश्मीर साउथ कश्मीर में ये पैदा हुए थे, और अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, शोपियां के पास ही उनकी खानकाह है जहां पहले बहुत लोग जाया करते थे, अब तो आपको पता है साउथ कश्मीर किस तरह से जल रहा है, तो काफी मुश्किल है। वहां से आप देखते हैं कि जो कन्वर्जन होता है उसमें कश्मीर का जो निचला समाज है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है। और यहां ही आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि कश्मीर में क्या सिर्फ कश्मीरी पंडित है, दूसरी जातियां नहीं है।
यह आश्चर्यजनक बात है कि कश्मीर में वाकई जो थे वो सिर्फ कश्मीरिया जो है अभी भी वो कश्मीरी ब्राह्मण है। कश्मीरी ब्राह्मण के अलावा घाटी के अंदर कोई जाति नहीं। और इसका दूसरा पहलू, जिन कश्मीरी ब्राह्मणों ने अपनी जाति बदली, अपना धर्म बदला, उन्होंने अपना जाति नाम नहीं बदला। इसीलिए कश्मीर इकलौती जगह है जहां पे आपको अशोक भट्ट भी मिल जाएंगे और अशोक खान भी, सॉरी आसिफ भट्ट भी मिल जाएंगे, जहां आपको अशोक रैना भी मिल जाएंगे और आसिफ रैना भी मिल जाएंगे। उन्होंने अपने जाति नाम नहीं बदला। तो आप समझ सकते हैं कि जाति विरोध किस स्तर का था। आप जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, इकबाल का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ। इकबाल के बारे में आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान के शायर आजम, जिन राष्ट्रीय शायर आप कह सकते हैं, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे ज्यादा उसको जाना जाता है, वो हमेशा दसियों बार कहते हैं इस बात को, आप अगर उनको पढ़ें, कि मैं कश्मीर का सत्रु ब्राह्मण हूं। तेज बहादुर सत्रु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दोनों लोग एक ही खानदान से। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि वो ब्राह्मण होने का अभिमान किस स्तर का था या उनकी अस्मिता से किस तरह से जुड़ा हुआ। दूसरी बात सामाजिक स्तर पर मैंने बात की, राजनीतिक स्तर पर आप अगर देखेंगे तो जो इस्लामिक शासन था वो उतना ही अच्छा या उतना ही बुरा था जैसा बाकी जगहों पर था। उसी तरह के उत्पीड़न, उसी तरह की चीजें, उसी तरह कभी किसी एक बहुत अच्छे राजा का आ जाना, फिर किसी बुरे राजा का आ जाना, वो सारा कुछ चल रहा। और अभी भी सेक्लूजन इतना नहीं खत्म हुआ था कि सीधे कोई वहां पहुंच जाए। पहली बार कश्मीर में किसी बाहरी का कब्जा होता है मुगल शासन में अकबर के समय। आप लोगों ने हब्बा खातून का नाम सुना होगा, हब्बा खातून का जो शम्स चक हस्बैंड था उसको वहां से वो कराते हैं उसको, और उसको हरा कर पटना में स्थापित करते हैं, और पहली बार कश्मीर में मुगलों का शासन स्थापित होता है। और कश्मीर के इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि वहां से कश्मीर की गुलामी शुरू होती है। मुगलों के शासन के बाद क्या हुआ, मैंने कल भी कश्मीरी का वो जो कहावत है वो कही थी और आज फिर दोहरा रहा हूं मैं। कश्मीरी में कहावत है अच गचे बच रुचे, मतलब आंख तो बच गई लेकिन दृष्टि चली गई। तो मुगलों का शासन इस मामले में तो कम से कम अकबर के समय तक तो बहुत खूबसूरत था कि वहां पे बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की गई। वहां पे पहली बार जमीन की माप होती है, पहली बार सिक्के जो है वो एक माप पे ढलवाए जाते हैं, व्यापार पूरी दुनिया से बढ़ता है और बाकी सारी चीजें। लेकिन कश्मीरियों का जो स्वाभिमान जो था उसको कुचलने के लिए सारे इंतजाम होते हैं। जैसे फेरन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, किसी कश्मीरी का आप अगर तसव्वुर करेंगे तो आपको फेरन में दिखाई देगा, वो जो लंबी सी जैकेट होती है वो सबसे पहले यही लेके आया थे अकबर। और अकबर ने ये रूल बनाया था कि अगर कोई कश्मीरी बाहर निकलता है, मर्द अगर कश्मीरी बाहर निकलता है तो वो फेरन में हाथ डाल के निकलेगा, यानी वो आक्रमण नहीं कर सकता है। सेनाओं में उनकी भर्ती बंद कर दी गई। इवन जो प्रशासन था सूबेदार के बाद का जो प्रशासन था उस पे आप देखते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों की जगह कश्मीरी ब्राह्मणों को तरजीह दी। तो इस तरह से जो कश्मीर में आम जनता थी जिनके पास जमीनें थी, दूसरा एक बड़ा काम किया गया जो मैं कहना भूल जाता हूँ अक्सर, कि उसी समय ये नियम बना कि सारी जमीन सरकार की है, यानी जमीन का जो मालिकाना हक था वो पूरा का पूरा कश्मीरियों से छीन लिया गया। और आप देखते हैं कि वो समय पूरा 300 लगभग 100 साल का जो कश्मीर पर मुगलों का जो समय है वो एक तरफ आर्थिक समृद्धि का समय है और दूसरी तरफ उनके लगातार और कमजोर होते जाने का समय है। इसलिए बहुत सामान्य सी बात यह है और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि मुगलों का जब पतन होता है औरंगजेब के बाद, तो बजाय इसके कि कश्मीरी फिर से रिवोल्ट करके उस सत्ता पर कब्जा कर लेते, अफगान आते हैं और अफगान कश्मीरियों पर कश्मीर पर कब्जा करते हैं। और अफगान शासन की हालत यह थी कि वहां सूबेदार की नियुक्ति ऐसे होती थी कि काबुल में गोली लगती थी कि सबसे ज्यादा वहां से राजस्व कौन ला सकता है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा राजस्व लाने का वादा करता था उसको वहां का सूबेदार बना लिया था। वो 6 महीने साल भर वहां जाता था और रेवेन्यू किससे वसूलना है, आम लोगों से, जी भर के रेवेन्यू वसूलता था, लौट आता था। यही दौर चलता रहा जब सिख शासन वहां पे आया। सिख शासन में भी वैसी ही लूट। उसके बाद इतिहास का वो इंपॉर्टेंट स्टेज आता है 1846, जहां से कश्मीर की मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। वहां पर डोगरा शासन का कब्जा होता है। डोगरा शासन जिसके गुलाब सिंह संस्थापक थे, आखिरी शासक हरी सिंह थे जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। गुलाब सिंह पंजाब के रणजीत सिंह के सामंत हुआ करते थे और जम्मू के किसी जमाने में छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, लेकिन वो पूरा खत्म हो चुका था। इन्होंने एक सिपाही की तरह अपनी जिंदगी शुरू की थी और बेहद टैलेंटेड थे इसलिए काफी आगे गए वो। रणजीत सिंह के मरने के बाद हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को वाकई मुझे लग रहा है इतना सारा इतिहास वाकई बोल कर रहा होगा ना, कई लोगों को उबासियां लेते हुए मैं देख रहा हूँ, बाकी सब
अब मैं कोशिश करता हूँ, इतिहास होता ही बोलेंगे, खास किया नहीं जा सकता उसके साथ। रणजीत सिंह के साथ ये सामंत थे। रणजीत सिंह के जीते जी पंजाब में एक ऐसा इलाका था जिस पर अंग्रेज कभी कब्जा नहीं कर पाए थे, और उससे बड़ी बात की कब्जा करने की कभी कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन जब रणजीत सिंह मरते हैं, अचानक वो शासन कमजोर होता है, तो पंजाब के ऊपर कब्जा करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं और वहां पर हमला करते हैं। उस हमले के समय सिख शासन का साथ देने के बजाय गुलाब सिंह अंग्रेजों के साथ एक सौदा करता है, जिस सौदे में जम्मू और कश्मीर का राज्य अपने आप को देने की बात करता है। वो युद्ध सिख हारते हैं, अमृतसर संधि होती है। अमृतसर संधि में 75,000 नानकशाही उस समय चलती थी, सिखों के बदले जम्मू और कश्मीर का राज्य गुलाब सिंह को दे दिया जाता है। महात्मा गांधी उसे सेल डील कहते हैं, यानी खरीद बिक्री की डील हुई थी। 75,000 के बदले कश्मीरियों को कश्मीर की धरती के साथ एक राजा को बेच दिया गया। और यहां से बहुत सारे इक्वेशंस बदलते हैं जिनको जानना आज के समय में बहुत जरूरी है। जिस जम्मू और कश्मीर राज्य की हम बात करते हैं, वो जम्मू और कश्मीर राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में 1846 में पहली बार आता है। उसके पहले के पूरे लंबे इतिहास में जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान, अगर संभव नहीं है इंडिया का अगर नक्शा हो तो मैं जगह बना सकता हूं, जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान पुंछ, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये कभी एक राज्य नहीं। जम्मू एक छोटा राज्य हुआ करता था, कश्मीर एक बड़ा राज्य हुआ करता था। जम्मू ट्रिब्यूटरी का मतलब ये ट्रिब्यूट पे करते थे श्रीनगर के राजा को, कश्मीर के राजा को, और बाकी राज्यों के हालात ये थे कि लोकल चिफ्टन थे वहां पे। जब श्रीनगर मजबूत होता था तो उनके ऊपर कब्जा कर देता था, ट्रिब्यूट लेना शुरू कर देता था, जब कमजोर होता था तो वो आजाद रहते थे। लेकिन इस डीड के सहारे गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू, श्रीनगर, पुंछ, इन सारे इलाकों को, सुधान वगैरह जितने भी कबीले थे, इन सारे जगहों को एक राज्य में तब्दील किया गया, नंबर 1। दूसरा, अभी तक श्रीनगर बड़ा राजा हुआ करता था। एक लंबे समय तक ये परंपरा रही है कि जम्मू के राजा की जो सबसे बड़ी बेटी होती थी वो श्रीनगर के राजा के साथ उसकी शादी की जाती थी, लेकिन अब ये उल्टा हो गया, अब जम्मू का कब्जा होता है कश्मीर के ऊपर। तो देखिए, जो स्थानीय जो समीकरण होते हैं ना, वो बाहर से बहुत दिखते नहीं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। जब मैं कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर आऊंगा तो इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। तो ये जो एक तो हुआ कि जम्मू का जो डोगरा राजा था वो वहां का राजा हुआ, दूसरी बड़ी चीज क्या हुई कि जिस प्रदेश में गिलगित बाल्टिस्तान सुधान पूंछ सबको आप जोड़ लीजिए 86% मुस्लिम थे, वहां एक हिंदू राजा का राज्य स्थापित होता है। तीसरी बात, वो हिंदू राजा 75,000 rupees दे के आया होता है तो उसको वो पैसा वसूलना होता है। आप अगर हरि सिंह का इतिहास पढ़ना शुरू कीजिए तो ऐसे ऐसे किस्से मिलते हैं कि वाकई मजा आता है। जैसे पैसों के लालच के बारे में किस्सा मिलता है कि वो जब पब्लिक में निकला करते थे और कोई भी हाथ उठा के कहता था कि मुझे अपनी अपनी कोई अर्जी लगानी है तो उसको एक सिक्का देना पड़ता। तो एक किस्सा ये हस्बैंड सुनाते हैं कि एक आदमी ने कहा कि आपने बाद में नहीं सुना तो आप पहले सुनिए, उसके बाद मैं सिक्का दूंगा। तो हरि सिंह खड़े रहे, स्टेट का राजा खड़ा रहा, पूरी बात सुनी, उसके बाद 1 rupee का सिक्का लिया और आगे चला गया। और जो ये लालच थी सिर्फ लेने तक नहीं किए, ये वसूलने वाली लालच थी। अगर आप उस समय का टैक्सेशन देखेंगे तो शायद आपको हर्ष की याद आ जाए। कोई ऐसी चीज नहीं थी, चाहे वहां का हांजी बोटमैन हो, चाहे वहां पे बाल काटने वाला हो, चाहे वहां कपड़े धुलने वाला हो, सबके ऊपर टैक्स थे। और सबसे बुरा टैक्स जो था, जिसके बारे में बहुत दिनों तक बात नहीं हुई, बहुत बाद में रिजल्ट सामने आया है, वहां पर पहली बार इतिहास में वैश्यावृत्ति के ऊपर टैक्स लगाया गया। जो चीज यहां राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास के बाद और बाकी सबके बाद पूरे देश में खत्म होने की कोशिश हो रही थी, जम्मू एंड कश्मीर अकेला स्टेट था जहां वैश्यावृत्ति को लीगल घोषित किया गया और बाकायदा उनसे टैक्स वसूला गया। यानी आप समझ सकते हैं कि कश्मीर की जनता उनके लिए सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूलने की चीज थी। और जब जनता टैक्स वसूलने की चीज होगी तो जनता के साथ क्या व्यवहार होगा और जनता के हर विद्रोह पर कैसे दबाया जाएगा, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ऐसे में वो एक प्रश्न शुरू होता है जो कश्मीर के इतिहास को पूरी तरह से विकृत करता है, यानी कि अपने इस दमन के लिए उनको जो पार्टनर चाहिए थे वो पार्टनर चुने उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों ने। अच्छा, वो किस्सा रहेगा, वो किस्सा सुना दो, कश्मीरी ब्राह्मण कश्मीरी पंडित कैसे बना। मुगलों के समय में कश्मीरी ब्राह्मण जो थे वो रोजगार की तलाश में और कुछ और चीजों में, चूंकि उन्होंने फारसी सीख ली थी और फारसी सीखने का भी किस्सा बहुत मजेदार है। कश्मीरी पंडितों के 3 ग्रुप होते हैं, ब्राह्मणों को खासतौर पर पता होता है, वो गोत्रों के हिसाब से बढ़ता है, तो कश्मीर में तीन तरीके से बढ़ता है। एक ब्राह्मण जिनको हम कहते हैं वज ब्राह्मण या गोर ब्राह्मण, गोर गुरु से बना हुआ है, दूसरा कारकुन ब्राह्मण और तीसरे में पूरी। हुआ ये है कि जनरल आदीन के समय जब सेवा में लिया जाना शुरू हुआ तो अब मुस्लिम शासक आ गए थे तो
तो भाषा फारसी हो गई थी, कश्मीरी पंडितों को फारसी आती नहीं थी, तो कुछ ब्राह्मणों ने फारसी सीखी ताकि राज्य की सेवा कर सके। जिन्होंने फारसी सीखकर सेवा करना शुरू किया उनको कारकुन ब्राह्मण कहा गया, कारकुन फारसी का शब्द है। और वो ब्राह्मण जिन्होंने जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप पूजा पाठ करते रहो, वहां एक नियम बना कि बड़ी बेटी का जो पहला लड़का होगा वो पूजा पाठ करेगा, उसको वच या गोल ब्राह्मण कहा गया। और जो बाहर से आके बसे हुए थे उनको पूरी ब्राह्मण कहा गया, जो पूर्वी पूर्व से आके बसे हुए थे। उस समय वच ब्राह्मण सबसे ऊंचे माने जाते थे, लेकिन कालांतर में क्योंकि कारकुन ब्राह्मण बड़ी ऊंची जगहों पर स्थापित हुए तो कारकुन ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता, वच ब्राह्मणों को नीचा माना जाता, वो शादी वादी में सब दिखाया जाता। तो जब ये नीचे आना शुरू हुए तो इनको लगा यार यहाँ तो सबको ब्राह्मण कहा जा रहा है, जैसे हम ब्राह्मण है वैसे यूपी वाला भी है, पंजाब वाला, हमारा जो स्पेशलाइजेशन था वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मोहम्मद शाह के जमाने में बाकायदा एक अर्जी लगाई गई कि हमें कश्मीरी पंडित के नाम से पुकारा जाए ताकि हम इनसे अलग दिखाई दे। और मोहम्मद शाह ने एक डिग्री निकाली, उस डिग्री में कहा गया कश्मीर के जो ब्राह्मण है उनको कश्मीरी पंडित कहा जाए। और इसीलिए आप देखते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद जो सेंसस होता है, मेरे पास दो सेंसस है, एक इलाहाबाद का और एक लखनऊ का, क्योंकि वहां जाके बसे थे तो मैंने वो हासिल किया, उसमें ये अपने आप को हिंदुओं में शामिल नहीं कराते हैं, कश्मीरी पंडित नहीं पाते। और कश्मीर में भी 1861 तक जो हुआ है, 1861 का जो सेंसस हुआ है उसमें कश्मीरी पंडित भी रही करते, ये डोगराज और बाकी के साथ हिंदुओं में कम नहीं होते, उसके बाद कश्मीरी पंडित खत्म हो जाता है और हिंदुओं के साथ कब करना शुरू होता है। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि अपने शोषण का तंत्र चलाने के लिए एक तरफ हरि सिंह को जरूरत थी ऐसे लोगों की जो यहाँ पर क्लर्क की तरह काम कर सकें, टैक्स वसूलना भी तो पड़ता है, वसूली के लिए लोग होने चाहिए। दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों के बारे में भी बहुत प्यार से सोचना चाहिए कि उनके पास भी कोई चारा बहुत नहीं था, ऐसा नहीं कि सारे कश्मीरी पंडित बहुत रईस थे, एक चीज उनके पास थी कि शिक्षित थे और शिक्षा के आधार पर उन्हें नौकरियां मिल सकती, तो उन्हें भी जरूरत थी कि शासन में उनको नौकरी मिले ताकि उनकी दाल रोटी चलती रहे, क्योंकि वो खेती कर नहीं सकते थे, पशु पाल नहीं सकते थे, तो सिवाय शिक्षा के और कोई चीज उनके पास थी नहीं। उस समय आप देखते हैं कि डोगराज और कश्मीरी पंडित के बीच एक नेक्सस बनता है और जो राजस्व विभाग होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उस पर कश्मीरी पंडितों का पूरा कब्जा हो जाता है। यहां तक कि 1870 का एक आंकड़ा है मेरे पास, जिस समय 100% पटवारी कश्मीरी पंडित हुआ करते थे और उसके ऊपर भी 90% 80% तहसीलदार तक का होता था। अब इस चीज को आप समझिए, मान लीजिए कि मेरा एक घर है, मेरे घर पे कोई बड़े ऑफिसर है, उन्होंने टैक्स लगा दिया, वसूलने कौन आएगा? सबसे छोटा वाला ऑफिसर, वही लाठी भी चलाएगा, वही गालियां भी देगा, वही लड़ेगा भी, और वो मेरा पड़ोसी भी है, वो मेरे साथ का है, तो सबसे ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर मुझे आएगा, या अपना सीधे प्रत्यक्ष विरोधी कौन लगेगा? या आप लोग जानते हैं मजदूर आंदोलन में एक दौर था जब मशीनें जलाई जाती थी, क्योंकि उनको मशीन सबसे बड़े दुश्मन लगती थी, किसके चलते दिन रात में खटना पड़ रहा है। वहां से आप ये देखते हैं कि ऐसा नहीं था कि कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच में कोई दुश्मनी थी ही नहीं, लेकिन जैसे बाकी हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों ने साथ रहना सीखा था, कश्मीर में भी ये हुआ था। लेकिन वो एक पीरियड आप देखते हैं जो वसूली का और बाकी सबका, जो अफगान पीरियड में भी था, सिख पीरियड में भी था, लेकिन डोगरा पीरियड में काफी बढ़ के आता है, कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच में आप एक फ्रिक्शन होना को देखना शुरू कर देते हैं। दूसरा, मॉडर्निज्म जब आता है ना तो नई नई उम्मीदें भी पैदा होती, जब बाजार में ढेर सारी दुकानें होती हैं तो खरीदने का भी ज्यादा मन रहता है। जब हम लोग पढ़ते थे, खासतौर पर छोटे स्कूल में पढ़ा करते थे, तो सरकारी राशन की दुकानों पर कापियां मिला करती थी, तो वही सबको खरीदनी होती थी, लेकिन अलग अलग ब्रांड दिखाई देगा तो आपको अलग अलग चीजें खरीदने का मन करेगा। ऐसे ही जब अंग्रेज आए, दुनिया खुली, तो दुनिया के खुलने के बाद लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी। कुछ थोड़े से लोग जो बढ़ पाए उनको ये लगा डेमोक्रेसी भी कोई चीज होती है, उनको ये लगा कि एजुकेशन हासिल करके नौकरियां भी पाई जा सकती हैं। तो कश्मीरी मुसलमानों का एक तबका अपनी सारी मुश्किलात के बावजूद पढ़ना लिखना शुरू करता है, और जो ही वो पढ़ना लिखना शुरू करता है कंपटीशन शुरू होता है नौकरियों को लेकर। इस कंपटीशन में लगातार डोगरा गवर्नमेंट जो होती है वो कश्मीरी मुसलमानों के साथ अन्याय करती है। एक हिस्से से यह बात आपको क्लियर हो जाएगी। शेख अब्दुल्ला का आप सबने नाम सुना होगा। 1928 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc बॉटनी सेकेंड डिविजन गुड सेकंड कहा जाता था। सर लोगों को पता होगा गुड सेकंड जो 55% से ऊपर लेकिन 60 से कम पाते थे, तो गुड सेकंड कहा जाता था। इस जमाने में बहुत ऊंची चीज मानी जाती थी। तो 1928 में एक यंग लड़का MSc बॉटनी गुड सेकंड पास करके लौट के जाता है। आप आंख बंद करके सोचिए कि उसको कम से कम कौन सी नौकरी मिलनी चाहिए थी। डिग्री कॉलेज का लेक्चर, ये तो बहुत ही छोटी चीज थी। मेरे फादर 1968 में MSc फर्स्ट डिविजन पास करके गए और वो तुरंत लेक्चरशिप मिल गई, तो इतना तो मिलना चाहिए। उनकी उम्मीद भी थी, वो कोई क्रांतिकारी नहीं थे, वो जाते हैं और अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन उन्हें ऑफर किया जाता है
या तो सरकारी नौकरी में क्लर्क हो जाओ और या तो प्राइमरी स्कूल और हद से हद हाई स्कूल में पढ़ो। बहुत सारा संघर्ष करने के बाद, जम्मू से लेकर श्रीनगर तमाम लोगों के पास अर्जियां लगाने के बाद, आखिर में हार कर वो हाई स्कूल की नौकरी का, हाई स्कूल में पढ़ाने की नौकरी तय कर लेते हैं। और वो बताते हैं कि उसी दौर में बीएससी पास लोग कॉलेज में पढ़ा रहे थे, जिन लोगों के पास सिर्फ बीएससी की डिग्री थी वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे। उस जमाने में ना यूजीसी हुआ करता था, ना नेट, ना कोई इंटरव्यू हुआ करता था, राजा की आज्ञा आखिरी आज्ञा हुआ करती थी। ऐसे तमाम सारे लड़कों ने मिलकर, लड़कों में जानबूझ के कह रहा हूं कि मुस्लिम महिलाओं में अभी कोई शिक्षा की बात हम वहां पर देखते नहीं, यहां तक कि कश्मीरी पंडित महिलाओं में भी कोई नौकरी की शब्द, कम से कम मुझे तो 1945-46 तक कोई महिला वहां नहीं मिलती। लेकिन ऐसे हालात में कुछ ऐसे लड़कों ने वहां पर रीडिंग रूम पार्टी शुरू की। रीडिंग रूम पार्टी क्या थी, आप लोग अगर यहाँ, मतलब पता नहीं यहाँ कल्चर है कि नहीं, यहाँ जरूर होगा, स्टडी सर्कल टाइप का आप जानते हैं ना, जहाँ कुछ लोग मिलकर पढ़ते लिखते हैं, ऐसी ही एक रीडिंग रूम पार्टी शुरू की जो जिस जगह पे आज लाल चौक है वहां पर एक घर हुआ करता था, वहां मिलते थे और पढ़ते लिखते थे और वहां पर अपनी और अपने समुदाय की मुश्किलात पर लगातार बहस किया करते थे। उसी दौर में जम्मू में एक बड़ी घटना होती है, जम्मू में उस घटना के भी ढेर सारे नरेशन है, मैंने दिया है और आप नेट से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो नरेशन स्थापित है वो ये है कि एक अधिकारी ने एक कर्मचारी की कुरान फाड़ दी। अधिकारी डोगरा था और जो कर्मचारी था मुसलमान था, उसकी कुरान फाड़ दी और कुरान फाड़ने के बाद मूवमेंट शुरू हुआ। जो लोग मूवमेंट के इतिहास से परिचित हैं वो जानते हैं कि बहुत छोटी सी बात से कोई मूवमेंट शुरू होता है, लेकिन घटनाएं और खासतौर पर अगर दमन होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और ढेर सारे मुद्दे जुड़ते चले जाते हैं। 1930s का वो मूवमेंट कश्मीर के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा मूवमेंट है। उसके पहले कई सारे मूवमेंट हुए थे, वो सारे दबा दिए गए थे, लेकिन वो मूवमेंट नहीं दबाया जा सका। वो मूवमेंट आगे बढ़ता है, शेख अब्दुल्ला शेरे कश्मीर बन के उभरते हैं और लगातार मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने में ये मूवमेंट चलता है। उसमें शेख अब्दुल्ला को वहां का सबसे बड़ा नेता वो स्थापित कर देता है और उसकी कोख से कश्मीर की पहली राजनीतिक पार्टी का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है मुस्लिम कांग्रेस। मुस्लिम कांग्रेस को लेकर बहुत सारी बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं सामुदायिक मूवमेंट था, कुछ लोग कुछ कहते हैं। नेहरू ने एक बात कही थी वो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है कि जहां 86% जनता मुसलमान थी, जहां किसानों का 98% मुसलमानों का था, वहां पहला संगठन ऐसे ही बन सकता था। शेख अब्दुल्ला उसके बाद नेहरू के संपर्क में आते हैं और नेहरू के संपर्क में आते हैं तो नेहरू उनसे बहुत क्लियर कहते हैं कि मुस्लिम कांग्रेस के नाम से अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें देश की जनता आपके साथ नहीं हो सकती, किसी भी मुस्लिम या हिंदू पार्टी के साथ नेहरू नहीं हो सकता, नेहरू उनसे कहते हैं। और उस लगातार बातचीत में आप देखते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बन जाती है और जो थोड़े से लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाए रखते हैं वही कश्मीर में पाकिस्तान के सपोर्टर बाद में होते हैं। आगे हम बात करें, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है उसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल होते हैं और सरदार बुद्ध सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है और पूरे देश में जैसे अंग्रेजों के खिलाफ और स्थानीय राजाओं के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, कश्मीर के अंदर भी एक लड़ाई शुरू होती है जिसमें कांग्रेस उनका सहयोग, कांग्रेस उनकी सहयोगी बनती है। मैं एक चीज बस कोट करना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की दृष्टि क्या थी ये इससे समझ में आएगी। पहली बात, ये उनका 1943 का एक बयान है, एक मुसलमान की तरह हमें भरोसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा घर है, हम इस जमीन से ही जन्मे हैं और इसी में मरेंगे, हिंदुस्तान हमारा मातृ वतन है, मातृभूमि, और यही हमारा मातृ वतन रहेगा। यह हमारा फर्ज है कि अपने मातृ वतन और अपने घर को गैर मुल्कियों से आजाद कराएं। दूसरा बयान, जो नया कश्मीर नाम का संविधान उन्होंने बनाया था कश्मीर की दृष्टि को देखने, कश्मीर कैसा होगा ये देखने के लिए, आप आज भी कश्मीर में जाए तो नया कश्मीर के नाम से बहुत सारे दुकानें आपको मिल जाएंगे। वो कहते हैं, हम नए कश्मीर में हर आदमी और हर औरत का जिनका आध्यात्मिक और मानसिक शोषण किया गया है एक नया व्यक्तित्व निर्मित करना चाहते हैं, हम अनुकरणीय व्यक्तित्व पैदा करना चाहते हैं जो अपने खूबसूरत वतन के योग्य बाशिंदे। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ तो मॉडर्न वर्ल्ड व्यू के साथ आई थी, जहां मर्द और औरत की बराबरी, जहां जमीन का अधिकार, जहां रोजगार का अधिकार, जहां समाजवाद और इन सारी चीजों की बात हो रही थी, और दूसरी तरफ कश्मीर में उसी समय जो ये चहल उथल पुथल शुरू हो गई थी कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान या आजाद, उसमें उसने हिंदुस्तान का पक्ष चुना था। और इसीलिए आप देखते हैं कि 1947 में जब देश आजाद होता है तो पूरे कश्मीर में इकलौती कोई आवाज हिंदुस्तान के साथ खड़ी होती है तो वो शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। राजा हरि सिंह लगातार ये चाह रहे होते हैं कि दोनों देशों से समझौता हो जाए और हम आजाद रह जाए, हमारा शासन बचा रहे।
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सीधे सीधे पूंछ विद्रोह में हिस्सा लेती है और पाकिस्तान जाने की बात करती है, पाकिस्तान के साथ कश्मीर को जोड़ने की बात करती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार खड़ी रहती है इस बात को लेकर कि नहीं, हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। लेकिन इसके साथ एक राइडर था जिस राइडर को हम इग्नोर कर देते हैं, कश्मीरियों के सम्मान के साथ। इतने सालों की गुलामी झेलने के बाद जब वो आजादी देखने जा रहे थे तो उन्हें अपने विशेषाधिकारों की सुरक्षा और अपने सम्मान की चिंता थी। हालांकि वो बातें तब तक उभर के नहीं आई जब तक कबीलाई हमला पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर नहीं कर दिया, और उस कबीलाई हमले में हरी सिंह वैसे ही भागे जैसे अगर आपको याद होगा दुलचा के आने पर सहदेव भागे थे, यानी अपनी 12 गाड़ियों का फीट, कश्मीर के पूरे महीने के पेट्रोल का कोटा, अपने सारे आर्टिफैक्ट्स, अपने सारे कालीन, अपने सारे नौकर चाकर, पत्नियां, सबको लेकर वो वहां से निकल गए। एक तरफ आप अगर कश्मीर का थोड़ा सा मैप देखेंगे, एक तरफ अनंतनाग के पास तक सेना को, अनंतनाग तक वो पहुंच गए थे पाकिस्तानी जो कबीलाई थे, कबीलाई के भेष में पाकिस्तानी सैनिक भी थे। अब तो एस्टैब्लिश हो चुका, मैंने अपने किताब में सैकड़ों एग्जांपल निकाल के दिए हैं कैसे पाकिस्तान का वो क्लेम गलत है कि केवल कबीलाई हमला था। एक तरफ आपका राजा यहां से निकल के आ चुका है, वो हिंदुस्तान के साथ समझौता इसलिए कर रहा है कि हिंदुस्तान की सेना पहुंच जाए, सेना वहां पहुंचाना इतना आसान नहीं था। आप देखते हैं कि जो नागरिक प्लेन होती है हमारी उसमें सेना को भेजा गया। तो उस समय कौन था जो कबाइलियों से कश्मीर में लड़ाई लड़ रहा था? सिर्फ और सिर्फ शेख अब्दुल्ला और उनके लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और जिसमें पुरुष भी शामिल थे। उसमें एक शहीद थे जिनके ऊपर मुल्कराज आनंद ने बाद में उपन्यास भी लिखा, और वो लड़ाई इतनी शानदार लड़ाई है। मार्गरेट वर्के जो बहुत शानदार फोटोग्राफर हैं, 1947 की बहुत सारी फोटोग्राफी की है उन्होंने, वो वहां पे थी और वो उस पूरी लड़ाई को कैप्चर किया उन्होंने अपनी किताब में, वो फिर कहीं से मिला जरूर पढ़ना चाहिए। वो लड़ाई लड़ी गई, फिर फाइनली 1948 हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का समझौता हुआ। मैं बार बार समझौता कह रहा हूँ, और उस समझौते के तहत कश्मीर भारत का, मैं कह रहा हूँ, अविभाज्य हिस्सा बना। लेकिन उस समझौते में कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर थी। उस समझौते में तीन क्षेत्र ऐसे बनाए गए थे, और ये हरी सिंह का किया हुआ समझौता है, उसके बाद का नहीं है। तीन क्षेत्र ऐसे बनाए गए थे जो भारत के प्राधिकार में होंगे, यानी सुरक्षा, सुरक्षा का अर्थ क्या होगा, कश्मीर की अपनी कोई सेना नहीं होगी, करेंसी, कश्मीर की अपनी कोई मुद्रा नहीं होगी, और क्या कहते हैं, विदेशी मामलों में कश्मीर का कोई अधिकार नहीं होगा, विदेशी मामले भारत ही करेगा, और जो डाक और तार की व्यवस्था होती है पोस्ट एंड टेलीग्राफ की, वो हिंदुस्तान के पास रहेगी। इसके अलावा जो अंदर के मामले थे वो बाद में तय होने थे। बाद में क्यों तय होने थे इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। आमतौर पर राजाओं ने जिधर जाने के लिए हाँ कर दी वो उसमें शामिल हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलाकर तीन ऐसे स्टेट थे जहां कंडीशन इसलिए भी पूरी थी कि जो स्टेट का रिलीजन था, जनता का जो धर्म था और राजा का जो धर्म था वो अलग अलग था। हैदराबाद और जूनागढ़ में जनता की बहुसंख्या हिंदू थी और जो वहां के सुल्तान थे वो मुसलमान थे। कश्मीर में इसके उलट क्या था कि जो बहुसंख्या थी वो हिंदुओं की थी, लेकिन मुसलमानों की थी, लेकिन राजा हिंदू थे। अब आप कल्पना करके देखिए कि हैदराबाद अगर पाकिस्तान में चला गया होता, क्योंकि हम सब जानते हैं हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में जाना चाहता था, अगर हैदराबाद पाकिस्तान में चला गया होता तो हिंदुस्तान के नक्शे में एक सुराख हो गया होता। और आप सोचिए कि हमारे अगर बीच में कोई भी अगर गैर मुल्क का एक है हिस्सा तो उसको शासित कर पाना कितना मुश्किल है। इसलिए ये तय था कि ये इलाका हमें चाहिए, और हम जानते थे कि वहां की बहुसंख्या हमारे साथ है। तो ये एक तरह का पॉलिसी डिसीजन था कि जिन जगहों पर ऐसी स्थिति है वहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, यानी जनता की राय को राजा की राय पर प्रमुखता दी जाएगी। और आप देखते हैं हैदराबाद में जनमत संग्रह होता है, आप देखते हैं जूनागढ़ में जनमत संग्रह होता है, और दोनों जगह की जनता हिंदुस्तान में रहना चुनती है। यही कश्मीर के संदर्भ में भी फैसला लिया गया कि वहां पर जनमत संग्रह होगा, और नेहरू को और शेख को यह पूरा भरोसा था कि वहां की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, और उसके बाद जो हमारी एकता होगी, जो हमारी विलय हमारा होगा, वो अलग तरह का होगा। दुर्भाग्य ऐसा रहा, वो भी कोटेशन में पढ़ूंगा ही, दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जनमत संग्रह कभी नहीं हो पाया। और 1947 में जो दंगे हुए, उन दंगों के बाद कश्मीर में एक क्वेश्चन मार्क की स्थिति। उन दंगों के समय अगर आप गांधी का स्टेटमेंट पढ़ें तो गांधी कहते हैं कि कश्मीर हमारे लिए जलती हुई मशाल की तरह है। क्यों? क्योंकि कश्मीर घाटी में जो मुस्लिम बहुल इलाका था, एक हिंदू का ना पलायन होता है ना हत्या होती है, जबकि उससे लगे जम्मू में आप देखते हैं कि 4.5 लाख मुसलमान पलायन करते हैं, और बाकी पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों की जिस तरह से हत्याएं हुई है, किसी एक की नहीं हुई है, जिसको मौका मिला है, जिस तरह का 1947 में हुआ है हिंदुस्तान का, सीमा के इस तरफ की सीमा के उस तरफ, वैसा खूंखार और वैसा अमानवीय हत्या का दृश्य शायद भारतीय उपमहाद्वीप में पहले नहीं देखा।
लेकिन जब ये सारी खुनरेजी हो रही थी, जब ये सारी हत्याएं हो रही थी, तो कश्मीर घाटी बिल्कुल शांत थी, वहां किसी की कोई हत्या नहीं होती, किसी को घर नहीं छोड़ना पड़ता है। वो इसलिए था, जैसा मैम ने शुरू में कहा कि कश्मीर में खास तरह का कल्चर था जिसमें लोग एक दूसरे की जान नहीं लिया करते थे धर्म के आधार पर। कश्मीर के आप अगर इतिहास में जाएंगे तो शिया सुन्नी बल्बे आपको मिल जाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम लड़के आपको नहीं मिलते। इसके बाद सोचना होगा हमें, मैं बहुत लंबा शायद बहुत लंबा खींच चुका हूं पहले ही, हमें ये सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो शेख अब्दुल्ला जो हिंदुस्तान के साथ पूरी तरह से खड़ा था, वो शेख अब्दुल्ला जो नेहरू का दोस्त था, वो शेख अब्दुल्ला जो पूरी तरह से हम जैसे सेकुलर कहते थे, जो हमारे लिए हमारे अखबारों के लिए और हमारे लिए हीरो था, वो 1952 में उसे हम जेल में उठा के बंद कर देते हैं। और ना सिर्फ 1952 में जेल में बंद करते हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो 1952 से 1980 तक का जो टाइम है उसमें वो अंदर बाहर होते रहते हैं और बड़ा पीरियड वो जेल में बिताते हैं। क्या कारण था कि जिस 370 को जब पेश किया गया था, 370 धारा जब पेश की गई थी लोकसभा में, तो आप जानते हैं ना सरदार पटेल ने उसका विरोध किया था, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था। अकेला आदमी उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ वो थे मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने कहा कि कश्मीर के लिए अलग नियम क्यों। जब ये कहा गया, अगर मैंने सही जगह कागज लगाया है, सॉरी मैं ऐसे ही बताता हूँ, जब ये कहा गया तो उन्हें जवाब दिया गया कि 370 तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली धारा है, चूंकि अभी जनमत संग्रह नहीं हुआ है इसलिए विलय की जो शर्तें थी उसको एडिटिव हम लागू कर रहे हैं। जैसे जैसे कश्मीर के साथ, उसमें वो बयान बहुत खूबसूरत है, उसमें कहते हैं कि जैसे जैसे कश्मीर के लोगों का भरोसा हमारे साथ जुड़ेगा वैसे वैसे 370 की जरूरतें खत्म हो जाएंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि एक समय 370 अपने आप डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हुआ, भरोसा घटने की जगह भरोसा बढ़ने की जगह लगातार भरोसा घटता गया। आप ये देखेंगे कि लगातार 370 को लेकर हमारे देश में पॉलिटिक्स होती रही, 370 को कमजोर करने की कोशिश की गई। और मैं बार बार कहता हूं, कश्मीर भी मैं गया था, वहां दोस्तों से बात हो रही थी और मैंने ये कहा और कई मुस्कुरा कर रह गए, वो स्वीकार तो नहीं करेंगे, कि 370 ना तो पॉलिटिकल मसला है, ना सोशल मसला है, ना जमीन का मसला है। 370 बेसिकली एक इमोशनल मसला है। जैसे आपके पास कोई एक ऐसी चीज होती है ना जिसकी कीमत कुछ नहीं होती है, बाजार में आप बेचने चलिए तो शायद उसके 5 रुपए भी ना मिले, लेकिन वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता है। 370 कश्मीरियों के पास बचा हुआ आखिरी इज्जत का कपड़ा है, कम से कम वो है तो उन्हें लगता है कि चलो कुछ तो हमारे पास है, एक चीज है जिसके सहारे हम खड़े हो सकते हैं। दूसरा सवाल 35A का, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतिहास तो खैर जिनकी रुचि होती है उनके लिए होता है, वर्तमान में तो रोज वैसे आपकी होंगी अगर आप करना चाहेंगे तो। 35A को लेकर बहुत हल्ला होता है। 35A गैर कश्मीरियों को वहां जमीन खरीदने से रोकता है। 35A भी 1947 में नहीं बना था, हरी सिंह के समय एक बड़ा मूवमेंट हुआ था 1928 में जिसको हम कहते हैं रोटी आंदोलन। हुआ यह था कि अंग्रेजों ने जब अपना वहां रेजिडेंट बनाया तो बंगाल यूपी और पंजाब से ढेर सारे ऑफिसर्स लेके आए, उनको लगा ये हमारे लिए बेहतर होंगे। उस समय कश्मीरी पंडितों ने एक मूवमेंट चलाया रोटी मूवमेंट, वो गले में रोटी लटका के जाते थे और उस समय ये नारा दिया कि मुल्क की नौकरियां मुल्कियों को, गैर मुल्कियों को बाहर। उसी समय उन्होंने कहा कि गैर मुल्कियों के जमीन खरीदने के अधिकार को रोको वरना ये हमारे यहाँ की सारी जमीनें खरीद लेंगे, हाउस बोट्स बन चुकी थी और उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर्यटन का पूरा एक व्यापार डेवलप हुआ उस पर सब लोग कब्जा करेंगे। तो उस समय 1934 में मेरे ख्याल से एक रूल बनाया गया जिसमें गैर कश्मीरी लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे और बाकी सारी चीजें। अब मैं आज के दौर में एक सवाल आपसे पूछता हूं, लोग श्रीनगर की फ्लाइट कराते हैं, शोपियां में कुछ हो जाता है, श्रीनगर से शोपियां जाने में कम से कम 1.5 से 2 लोग होंगे, मैं 2 बार जा पाया हूं, शोपिया में कुछ होता है टीवी पर देखते हैं और तुरंत कश्मीर की फ्लाइट कैंसिल करा देते हैं, ये हालात अच्छे नहीं है। ऐसे में कौन कश्मीर में जाकर जमीन खरीदकर मकान बनाकर रहेगा? कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हो चुका है, जिस कश्मीरी मुसलमान के पास थोड़ा भी पैसा या पावर है वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ाता है, 12th कराया बाहर निकाल दिया, बैंगलोर भेज देगा, दिल्ली भेज देगा, कोलकाता भेज देगा और अगर पैसा है तो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में भेज देगा। ऐसे में हम से कौन जाकर वहां पर जमीन खरीद कर मकान निकल देगा? पूरी साजिश है जो कि उत्तराखंड में दिल्ली के व्यापारियों ने की है, बॉम्बे के व्यापारियों ने की है कि वह अगर 35A एक बार हट जाता है तो वहां के पर्यटन उद्योग से पूरा का पूरा कब्जा कर लिया जाए, उसको खरीद लिया जाए। और इस चीज को लेकर ही सारा का सारा 35A का जो नाटक है आज दोबारा शुरू हुआ है उसके मूल पर यह है कि मैं जानता हूं कश्मीर, चूंकि मैं कम से कम 8 बार जा चुका हूं, 9 बार जा चुका हूं मैं, मेरे ख्याल से आधा कश्मीर तो मैंने घूमा है,
मैं जानता हूँ कश्मीर में शायद कोई ऐसा इलाका अब नहीं बचा हुआ है जहाँ हमारे जैसा आदमी दिल्ली में रहता है और 12 बजे रात को भी बाइक लेके निकल जाता है वो जाके वहां रह सके। ऐसे में कोई वहां जाकर जमीन खरीदने के लिए नहीं रहना चाहिए। हुआ कुल मिलाकर जो मैं कहना चाह रहा था कि हुआ ये, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बात करूं, जहांगीर का आप सबने नाम सुना है, वो फारसी का शेर भी आप सबने सुना है, अगर गर फिरदौस पर रुए जमी हस्ता हमी हस्ता हमी हस्ता हमी हस्ता धरती के कई स्वर्ग है तो यही है यही है। वही जहांगीर कश्मीरियों के बारे में जब बात करता है तो कहता है कि कमीन कौम होती है, गंदे लोग होते हैं, ऐसे होते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और उस दौर से लेके इस दौर तक हमारा तरीका यही रहा है कि कश्मीर की जमीन तो हमें बहुत प्यारी है, वहां के पहाड़, वहां के चिनार, वहां की शादी, ये सब तो हमें बहुत प्यारा है, लेकिन कश्मीरी लोगों को लेकर वो प्यार और वो सम्मान कभी नहीं दिया गया। चाहे आप जो अंग्रेज गए हैं उनकी डायरीज पढ़ लीजिए, चाहे जो हिंदुस्तानियों ने डायरी लिखी उस जमाने में उनको पढ़ लीजिए, चाहे आप मुगलों के समय का ये अबुल फजल वगैरह के आप संस्मरण पढ़ लीजिए, सारी जगहों पर यही है। कश्मीर की खूबसूरती की जब बात करते हैं तो हाइपरबोल में बात करते हैं, और कश्मीरियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमेशा गलत तरीके से बात करते हैं। कारण क्या है, इसी इस मोड़ पे हम लोग बात को थोड़ा थोड़ा सा लेकर खत्म कर सकते हैं। कारण है कल्चर का सम्मान करना ना आना। हमेशा दो जगह के कल्चर अलग अलग होते हैं। जो आदमी मान लीजिए टिपिकल बंगाली है, वो जो खाना खाता है वो उसको दुनिया का सबसे खूबसूरत खाना लगेगा। वो दुनिया में कहीं भी चला जाए वो उसके लिए क्रेव करेगा, दैट इज नेचुरल, वो बिल्कुल स्वाभाविक, इसमें कुछ बुरा नहीं है। बुरा कर रहे कि जब वो दिल्ली आएगा और पंजाबियों के खाने को गाली देना शुरू करेगा, वो उनका कल्चर है, वो उनके माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना है जो उनको पसंद है। जो कल्चर्स के बीच में जब भी आदान प्रदान होता है, अगर वो बराबरी पर आधारित होता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर आधारित होता है, तो दोस्ती बनती है। और जब एक कल्चर को हम गुलाम कल्चर समझते हैं तो उसका सारा बिहेवियर हमें बुरा लगता है। कश्मीर जिस जगह पे है वहां पे रोज नहा पाना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। जाड़ों में जब वहां 8 फीट बर्फ जम जाती है तो आप सोच सकते हैं नहाया कैसे जा सकता है। हमारे यहाँ दिल्ली में जब टेम्परेचर 12-13 डिग्री पर पहुंचता है तभी लोगों का नहाना काफी कम हो जाता है। तो उनको गंदा जब हम कहते हैं तो दरअसल क्या करते हैं कि हम अपने हिसाब से उनको तौल रहे होते हैं। जब उनकी बाकी आदतों के बारे में, खाने की आदतों के बारे में, बाकी सारी आदतों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम अपने आईने में उनको तौल रहे होते हैं। जबकि और ये क्यों होता है, क्योंकि हमने उनको गुलाम बनाया, मुगलों ने उनको गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, इसलिए उनके कल्चर को भी पूरे तरीके से देखते हैं। आजादी के बाद होना ये चाहिए था कि जैसे बाकी कल्चर्स के साथ हम असिमिलेट हुए, कश्मीरी कल्चर और कश्मीरी लोगों के साथ उनको वैसे हमें सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए था अगर हम बड़े थे। लेकिन हुआ उल्टा, 370 को लेकर जो हमारी नीतियां रही, बाकी सारी चीजें रही। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आजादी के बाद का, बलराजपुरी बार बार वहां नजर डालते हैं कि वहां डेमोक्रेसी को कभी खुल के नहीं देने दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पश्चिम बंगाल है। आप ये देखिए कि जनता का मन हुआ, जनता को लगा ये सही नहीं है, 40 साल से चलता हुआ एक शासन एक चुनाव में बदल दिया गया। इसका सबसे बड़ा असर क्या होता, मैं नहीं जानता कि वाम सरकार अच्छी थी कि ममता सरकार अच्छी है, ये मेरा कंसर्न नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जनता को यह एहसास है कि अगर वो चाहे तो अपनी सत्ता को चुन सकती है। इससे फायदा क्या होता है, आप हरियाणा या बाकी सब स्टेट में देखें, इनसे नाराज होते हैं उनको बना देते हैं, उनसे नाराज होते हैं इनको बना देते हैं, दोनों होते हैं जैसे ये कमोबेश, लेकिन जनता का गुस्सा निकलता रहता है, सेफ्टी वॉल की तरह जनता का गुस्सा निकलता रहता है। कश्मीर में डेमोक्रेसी इस तरह से कंट्रोल रही, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1986 का चुनाव है। वो भी मैं हमेशा एक घटना से करता हूं। कश्मीर में गौगदर के पास की एक सीट है, वहां का इलेक्शन था, इलेक्शन हो चुका था, वहां मुस्लिम पार्टीज ने मिलकर एक कितना टाइम 5-7 मिनट हो गया जी एक एग्लोमरेशन बनाया था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, जनगणना चुनाव में मतगणना चल रही थी, और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम जो एग्लोमरेशन था उसका उम्मीदवार बहुत आगे चल रहा था, इतना आगे चल रहा था कि एनसी का उम्मीदवार उठकर घर चला गया कि अब तो रखा गया चुनाव। लेकिन अचानक से कुछ घंटों बाद जब चुनाव परिणाम घोषित किया गया तो एनसी का उम्मीदवार जीत गया और वो जो उम्मीदवार था वो हार गया। उस उम्मीदवार ने इसका विरोध किया कि ये तो गलत है, तो उस उम्मीदवार को और उसके एजेंट को जेल में बंद कर दिया गया और 20 दिन जेल में रखा गया। जब वो बाहर निकले दोनों पाकिस्तान चले गए, एक को हम सैयद सलाउद्दीन के नाम से जानते हैं, दूसरा यासीन मलिक है। 86 का जो इलेक्शन था उसने कश्मीरियों के मन से डेमोक्रेसी का भरम दूर कर दिया। और आप देखते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा 90s के, मुझे लगता है कि वो सब सवाल जवाब में कश्मीरी पंडितों को सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, उस समय मैं बता दूंगा।
90s में वो बड़ा आंदोलन शुरू होता है जिसने कश्मीरियत और कश्मीर के पूरे ढांचे को तहस नहस कर दिया और कश्मीर के इतिहास में पहली बार कश्मीरी पंडितों को उस पर और बात हो सकती थी, फिर कभी मौका मिलेगा तो करूंगा, कश्मीरी पंडितों को बाहर जाने पर मजबूर किया। और 90s के उस दौर से लेकर 2017 तक हम ये देखते हैं कि कभी कम कभी ज्यादा कश्मीर में आतंकवाद थमने का नाम नहीं लिया। ये हम हमेशा कहते हैं कि सेना ये कर सकती है, सेना वो कर सकती है, लेकिन दुनिया का इतिहास बताता है कि जनता अगर ना चाहे, अगर जनता के भीतर विद्रोह घुस जाए तो किसी भी सेना के लिए दबाना मुश्किल होता है। और आज वो हालात है कि जनता के भीतर डर खत्म हो गया है। इसलिए कश्मीर समस्या के समाधान की कोई अगर बात होगी तो कश्मीर के पूरे इतिहास में जिस तरह की संस्कृति और जिस तरह का समाज बना है, आजादी के बाद कश्मीरियों के साथ जो व्यवहार हुआ है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर जब तक उनसे बातचीत लगातार नहीं चलाई जाएगी और किसी एक ऐसे सम्मानजनक समझौते तक नहीं पहुंचा जाएगा जहां कश्मीरी को अपना आत्मसम्मान सुरक्षित दिखाई दे, तब तक सिर्फ सेना के सहारे कश्मीर में किसी सोल्यूशन को हासिल करना या भारत के साथ उसका रिश्ता बनाए रखना, इतना तो हो सकता है कि कश्मीर कभी हिंदुस्तान से बाहर ना जाए क्योंकि हमारी सेना बेहद मजबूत है, वो ऐसा होने नहीं देगी। लेकिन ये नहीं हो पाएगा कि वो अपने आप को उसी तरह से प्यार से और गर्व से हिंदुस्तानी कहें जैसे एक यूपी वाला, जैसे एक बिहार वाला, जैसे एक बंगाल वाला, जैसे एक साउथ वाला। और जब तक देश की जनता खुद को खुद से हिंदुस्तानी नहीं करती है, जबरदस्ती लेबलिंग करके कोई शांति हासिल नहीं कर सकते। शुक्रिया।